आज का हमारा टॉपिक है दिस और दैट। दिस मतलब यह और दैट मतलब दिस का प्रयोग कब करते हैं लक्की? जब कोई वस्तु हमारे पास में हो तो दिस का उपयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु हमारे दूर हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। पास और दूर, इन दोनों के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए, आपके पास क्या क्या वस्तु है? बुक, रोब, बैग, हाउस, बैग, ड्रीम, रिमाइंडर। गुड, चलिए समझाइए दिस और दैट। दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक। दिस इज अ रोब, दैट इज अ रोब। गुड, ठीक है, गुड। भीमेंद्र, आपके पास कौन कौन सी वस्तु है पास में? बैग, हाउस, बैग, रिंग, बैडमिंटन। गुड, गुड, दिस इज अ बैग। क्यों बोले दिस इज अ बैग? क्योंकि बैग आपके पास में है इसलिए दिस इज अ बैग। और मानसी तुम्हारे से दूर है इसलिए क्या बोला तुमने? दैट लगाया, दैट इज अ बैग। लिखो, दिस इज अ बैग एंड दैट इज अ बैग। लक्की और बताइए। दिस इज अ हाउस, दैट इज अ हाउस। गुड, लिखो। हाउस की स्पेलिंग क्या है? HOUSE। गुड, गुड भावना। और गुड, प्रेमेंद्र क्या बोलोगे आप उसको? दैट इज अ रिंग, क्योंकि अभी भावना के पास कौन सी वस्तु पास है? रिंग पास, इसलिए उसने क्या बोला? दिस इज अ रिंग। और आपसे दूर है इसलिए आपने क्या बोला उसको? दैट इज अ रिंग। वेरी गुड, लिखिए। रिंग की स्पेलिंग क्या होती है?
आई आर आई एन जी है ना, आर आई एन जी रिंग. गुड.